हेलो फ्रेंड, आज आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट फर्स्ट का टॉप क्वेश्चन लाए हैं। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक पादप रोग विज्ञान का जनक माना जाता है तो ईजे बटलर को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सन 1947 में आई भयंकर दुर्भिक्ष का कारण धान का कौन सा रोग था तो भूरापन चित्ती रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है तो माइकेली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बैंगन की छोटी पत्ती रोग किसके कारण होता है तो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, टिक्का रोग किस फसल का प्रमुख रोग है तो मूंगफली का है। अगला क्वेश्चन है, धान की पत्ती का भूरा रोग धब्बा रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है तो ZNMN कार्बामेट 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर छिड़काव। अगला क्वेश्चन है, धान का जीवाणु झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस 15 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। अगला, धान के शीत झुलसा और झोंका रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है तो इसका आंसर होगा 1 किलोग्राम कार्बन डाइजियम 100 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, धान के खैरा रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है तो जिंक की कमी से होता है, इसमें 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 25 किलोग्राम बुझा चूना और 100 लीटर पानी में मतलब मिलाकर छिड़काव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, का पाउडरी मिल्ड्यू और पत्तियों का झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है तो जिंक मैंगनीज कार्बामेट का 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पानी में घोल कर छिड़काव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस तो पायरिकुलेरिया ओराइजी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, धान में कौन सा विभेदक पाया जाता है, IC3 और ID1 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लास्ट डिजीज ऑफ पैडी का प्रकोप सर्वप्रथम देखा गया तो बटलर ने 1913 में मद्रास राज्य के तंजौर जिले में देखा था। अगला क्वेश्चन है, धान में ब्लास्ट डिजीज के प्रारंभ में क्या लक्षण प्रकट होते हैं तो ब्लू वाटर सॉकेट नाव जैसी या तर्क रूपी धब्बे के रूप में प्रकट होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लास्ट कवक के स्पोर को कहते हैं तो कोनिडिया कहते हैं, कोनिडिया में अंकुरण होता है तो 3 से 4 घंटे में होता है। अगला क्वेश्चन है, यह कवक कौन सा है एंजाइम स्रावित करता है, पेक्टिनोलेटिक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन है, ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ राइस तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, धान के ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज के लक्षण किस रूप में देखने को मिलते हैं तो कोलियोप्टाइल के रूप में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस रोग के लक्षण किस पोषक तत्व की कमी के समान होते हैं तो पोटेशियम के समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, धान का बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट किसके द्वारा फैलता है तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लक्षण निम्न 3 विभिन्न प्रावस्थाओं में देखने जा सकते हैं। फर्स्ट है लीफ ब्लाइट फेज, नेक्स्ट और सेकेंड है विल्ट या खैरा फेज, अगला है पहले येलो लीफ फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस जीवाणु की वृद्धि के लिए टेम्परेचर चाहिए तो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। यार, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टेम्परेचर पर इसकी मृत्यु हो जाती है तो 53 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस कीट की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लास्ट डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म है तो पायरिकुलेरिया ओराइजी। अगला क्वेश्चन है, ब्लास्ट डिजीज के बीजाणु को कहते हैं कोनिडिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, परफेक्ट स्टेज ऑफ ब्लास्ट डिजीज तो मैग्नाफोरी ग्रीसिया होती है। अगला क्वेश्चन है, ब्लास्ट का कवक जाल होता है एक कोश की। अगला क्वेश्चन है ब्लास्ट कौन कौन से टॉक्सिन उत्पन्न करता है तो अल्फा पाइलिकुलेरिया एसिड। अगला क्वेश्चन है, यह कवक कौन सा एंजाइम स्रावित करता है तो पिक्टिनो लाइटिक एंजाइम उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ब्लास्ट कहाँ देखा गया तो 1704 में जापान में देखा गया। अगला क्वेश्चन है, ब्लास्ट डिजीज का प्रसार होता है बाई एयर के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज का कॉजल ऑर्गेनिज्म है तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी है। अगला क्वेश्चन है, ब्राउन लीफ स्पॉट रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो मिल्किंग स्टेज पर दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राउन लीफ स्पॉट के लक्षण किस रूप में देखने को मिलते हैं तो कोलियोप्टाइल के रूप में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्राउन लीफ स्पॉट के लक्षण किस पोषक तत्व की कमी से दिखाई देते हैं तो पोटेशियम की तरह दिखाई देते हैं।
अगला क्वेश्चन है, ब्राउन लीफ स्पॉट असिस्टेंट वैरायटी है तो पद्मा प्रभात है। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रोग किसके द्वारा फैलता है तो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का सबसे हानिकारक प्रवस्था है तो क्रेसन फेज है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का आकार होता है तो रॉड शेप का होता है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की रोकथाम के लिए उपयुक्त फंगिसाइड है तो बैक्टीरियोमाइसिन एसडीरेट 25 ग्राम पर हेक्टेयर की दर से डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल्फ ब्लाइट लीफ का काजल ऑर्गेनिज्म है राइजोक्टोनिया सोलनी है। अगला क्वेश्चन है, सेल्फ ब्लाइट रोग एक है तो फंगस है, कवक जनित है। अगला क्वेश्चन है, खैरा रोग की खोज किसने की तो वायल नैनी ने 1968 में की थी। यार आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।